अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट तरीका का एक डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बेहद ही आसान है और देखने में खूबसूरत लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दें, अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा इस डिजाइन को शेयर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टिच बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक हमारा स्टिच का। आ जाते हैं हम उल्टा में। स्टिच बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। स्टिच, फिर एक फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा। तो ये तीसरा सिलाई है, ध्यान दीजिएगा, एक फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। ये देखिए, अब आ जाते हैं चौथा सिलाई में, और चौथा सिलाई में भी हमें सेम रिपीट करना है, एक फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। ये डिजाइन आप जब भी बनाइए तो चार सिलाई बनाने के बाद ही ऊपर स्टार्ट करिएगा डिजाइन को। ये देखिए, अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टिच बनाएंगे, दो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे करना है। अब यहाँ पर हमें ये उल्टा फंदा आपको दिख रहा है, इसमें से हम दूसरा हॉल में ऐसे सिलाई डालेंगे, सॉरी, पहले हमें ये फंदा ऐसे पलट करके सिलाई पर चढ़ा लेना है, फिर ये दूसरा हॉल में सिलाई डालकर एक फंदा निकालेंगे और इन दोनों फंदा को एक साथ बना लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर फंदा पीछे करना है, फिर से इन दोनों को ऐसे पलटकर सिलाई पर लेंगे और ये दूसरा हॉल में सिलाई डाल करके ऐसे इन दोनों फंदा को बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, ये दोनों फंदा को पलटकर सिलाई पर लेंगे और दूसरा हॉल में ऐसे सिलाई डालकर इन दोनों फंदा को इस तरह से बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, ऐसे पलटेंगे, सिलाई पर चढ़ाएंगे और दूसरा हॉल में इस तरह से डाल करके ऐसे बनाएंगे। देखिए, स्टिच बना करके ऐसे हम आ जाते हैं उल्टा में। उल्टा में भी ध्यान दीजिएगा, स्टिच बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा,
एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, अब आ रहे हैं सीधी सिलाई में। स्टिच बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे। अब फिर से हम ये देखिए दूसरा हॉल जब दिखेगा ऐसे करके सिलाई डालकर फिर एक और फंदा लेंगे और इन दोनों फंदा को ऐसे पलटकर सिलाई पर ले लेंगे और दो का एक कर देंगे। ये देखिए एक फंदा उल्टा, फंदा पीछे करना है। इन दोनों फंदा को ऐसे पलट लेंगे और दूसरा हॉल में इस तरह से सिलाई डालकर फिर से बनाएंगे। यानी कि हर सीधी सिलाई में हमें ये डिजाइन बना लेना है। एक फंदा उल्टा, फिर फंदा पीछे करके इसे पलट लेंगे ऐसे और दूसरा हॉल में सिलाई डाल करके इसे बना लेंगे ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा, इसे पलट लेना है, सिलाई पर फिर से चढ़ाएंगे और ऐसे करके देखिए बस इसे ही हमें हर सीधी सिलाई में पूरा प्रोजेक्ट में रिपीट करते हुए जाना है। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देगा, बेहद ही आसान सा। उल्टा में हम सेम प्रोसेस, एक सीधा और दो उल्टा, एक सीधा दो उल्टा, बस इसे ही आप पूरा प्रोजेक्ट में रिपीट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको डिजाइन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।